अरे मेट्रो से आना चाहिए था, है ना? हाँ मेट्रो बेटर है। रिंकू दीदी को लेके आया। इसने रिंकू दीदी बना दिया मुझे शो पे। मैंने बोला था विक्की को पहले, अंकिता विक्की को तुम जाओगे शायद। वो भी कहते हैं आशिता की दीदी है तो मेरी दीदी है, जगत दीदी बन गई। वो विक्की भैया जगत में। थैंक यू। अरे अभी तो आप आए हो। ए भाई, अरे थैंक यू कि आप आए। हां लुक नहीं मिल रहा मेरे को। मैं तो अभी आई हूं, आप लोग भी आए हैं उसके लिए। व्हाइट लाइट करो पहले। व्हाइट है ना, कैसा लग रहा है घर से बाहर? बहुत बढ़िया लग रहा है। और ऑटो में स्ट्रीट सॉन्ग, मैं ऑटो में तो आ गई, फिर मुझे सडनली ऐसा लगा कि अरे मुझे ऑटो में। आप लोग पहले भी क्या करते हो कि वो नहीं है? अरे मेरे बाल ठीक लग रहे हैं कि नहीं? हां चलेगा। बस आप मुझे फेमस कीजिए, मेरा सोशल मीडिया बढ़ाइए, और नेक्स्ट प्लान ऑफकोर्स अपने टेलीविजन सीरियल्स हैं जिसमें मैं 26 साल से हूँ, एंड ऑफकोर्स दी अदर प्लेटफॉर्म्स, OTT फिल्म्स, जो काम आ जाए भैया सब कर लो। फिर क्या नेगेटिव किरदार में देखने मिलेगा कि जो अच्छा रोल हो? मैं कभी अपने कैरेक्टर्स को एज नेगेटिव सिलेक्ट करूँ या पॉजिटिव, ऐसे कभी नहीं लिया है। सो रोल अच्छा है फिर वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव। फाइनल से लगता है आप बहुत खुश हुई रहेगी, क्योंकि आप जब घर के बाहर गए थे मुनावर को हग किया था एंड सपोर्ट भी काफी किया। यस यस यस। कुछ बताना चाहोगे टॉप 5 आपके हिसाब से फेयर थे अनफेयर थे? मेरे हिसाब से टॉप 5 में एक जन मिसिंग था, वो है विक्की। विक्की शुड हैव बीन देयर इन टॉप 5 नो डाउट, बिकॉज उन्होंने बहुत कमाल की गेम खेली है। एंड तो हाँ, मुनावर के कॉन्सर्ट हो रहे हैं, मुनावर से मुलाकात हुई आपकी? हाँ मुनावर से मैं उनके घर जाके मिली। वो हमारे परिवार होते हैं, मुनव्वर का ज़िला होता है। माय गॉड इतना बड़ा परिवार है उसका, बट वेरी लवली पीपल, बहुत प्यारे लोग हैं। मतलब गोद 7 महीने के बच्चे से लेके, मतलब मैं उनकी फूफी से मिली जिन्होंने उन्हें क्या कहें, बड़ा किया है। सो इट वॉज़ अ प्लेजर मीटिंग मुनव्वर फैमिली। और इतना खाना भाई, जितना वजन बिग बॉस ने घटाया ना, मुनव्वर घटा देगा हमारा खाना। मैम आप क्या कहना चाहोगे इनकी गेम या फिर मुनव्वर? मुनव्वर को भी आपने सपोर्ट किया था, मैंने इंटरव्यू किया था तभी आपने बोला था मुनव्वर। हाँ चलो मुनव्वर तो ऊपर नीचे है, बट आई एम वेरी प्राउड दैट जिस तरह से रिंकू दीदी ने खेला, एटलीस्ट ये बाहर आके ट्रोल तो नहीं हो रही है। शी प्लेड वेरी डिग्निफाइड एंड 11 हफ्ते का शगुन देकर आई है बिग बॉस के घर में, जहाँ लगा वहाँ बोला उन्होंने। सो आई एम वेरी प्राउड। रिंकू जी आप जब घर के अंदर थे इन्होंने काफी सपोर्ट किया, इन्होंने आपकी मॉम ने। हाँ जी हाँ जी। इस तरह की स्ट्रॉन्ग फैमिली होना कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है? बहुत इम्पोर्टेंट है भाई। सबसे पहले तो हम अपनी फैमिली से ही शुरू करते हैं, फिर दोस्त, फिर हमारे सारे काम के लोग, एवरीबॉडी यू नो। बट इट आई एम श्योर हम सबके लिए, जितने भी लोग हैं यू नो, हम सबके लिए फर्स्ट फैमिली मैटर्स, एंड वो सपोर्ट रहे तो फिर उससे ज्यादा और क्या ही चाहिए। तो हम अपने टप्पर को बोलते हैं हुड़ हुड़ धवन धवन दबंग धवन। आज 3 फेब है, 2 फेब को एक खबर आई थी पूनम पांडे की मृत्यु की, एंड 3 फेब को भी शॉकिंग खबर आई कि वो एक पब्लिक स्टंट था अवेयरनेस। आई नो इट वाज, काफी लोग नाराज हुए। इट इज नॉट अ राइट थिंग टू डू, क्योंकि जैसे हम दोनों की भी बात हो रही थी इस पर, तो बिल्कुल मतलब ये अवेयरनेस या वेरी लो लेवल, या एक आप अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए जो आपने एक मॉड्यूल इस्तेमाल किया यू नो टू क्रिएट योर ओन सेल्फ डेट बिकॉज ऑफ दैट। बिकॉज मैं अपनी लाइफ में कुछ लोगों को जानती हूँ जो कैंसर से जीते हैं, और कुछ लोग जो अभी भी उससे जूझ रहे हैं, तो उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ उस कीमोथेरेपी में या जो भी उनकी फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट है, उनके लिए ये है एवरी डे इज अ होप। होप या Do you guys believe it was not more than awareness, it was publical stunt? Absolutely cheap PR stunt. मुझे ऐसा लगा कि you know it's a lesson for all of us, all of you all also, कि हर बार किसी चीज़ को पोर्ट्रे करने से पहले हम खुद भी अपने फैक्ट्स अगर चेक कर लें। मुझे लिटरली ये लगता है कि एक अटेंशन, आप फेमस हैं यू नो माशाल्लाह, बट एक अट्रैक्शन के लिए, एक अटेंशन के लिए यहाँ तक जाने की क्या जरूरत? आप उसे बिल्कुल सपोर्ट कीजिए उस कॉज को, पर एक अच्छे पॉजिटिव तरीके से उसे यू नो सपोर्ट कीजिए, नॉट इन दिस वे वेयर जो जूझ रहे हैं उनके लिए कितना हार्ट ब्रेकिंग है कि मतलब इज दिस आर एंड। या उन्होंने डरा दिया लोगों को, कुछ एक होप है कि यू नो आप इंस्टाग्राम पे चीज़ें देखते हो, एक होप आती कुछ पढ़ के, ये देख के जो एक्चुअली इससे सफर करे वो क्या सोचेंगे अभी नेक्स्ट? इट्स सच अ डिस्टर्बिंग फीलिंग फॉर देम। Thank you so much guys, enjoy your evening. Thank you so much.
चलो थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू, चलो बाय 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 बाय, पीछे मत जाओ, जाने दो उनको। अरे चलो आगे एक सोलो रिंग क्यों दी आपका सोलो, थैंक यू, थैंक यू, देखिए डन 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 डन, थैंक यू, थैंक यू।